हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, हमारा सीमेंट पॉट में हिबिस्कस प्लांट लगा हुआ है। आप प्लांट को देख सकते हो, प्लांट का रूट जो है वो निकल के बाहर आ चुका है। इस तरह का जब भी हो जाएगा तब आपको समझ जाना है रिपोर्टिंग ज़रूरी है। आइए अब हम मिट्टी का बात करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, हम मिट्टी को रेडी कर दिया है। मिट्टी के साथ हम मिक्स किया है सरसों का खली, और यहाँ पर NPK ले लिया है, और फॉस्फोरस, और इसके साथ नीम के खाद। सारे फर्टिलाइज़र को एक साथ मिक्स कर लेना है, आप वीडियो में देख सकते हो। फिर मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स करना होगा। अब हम पॉट से प्लांट को निकालेंगे, काफ़ी सावधानी से आपको निकालना होगा। चलिए फिर फटाफट निकाल लेते हैं प्लांट को। पॉट का जो मिट्टी है उसको हम एक दूसरे गमले में रख रहे हैं, आप देख सकते हो। फिर प्लांट को निकाल रहे हैं। इस प्रोसेस को आप मार्च के लास्ट पर ही कीजिएगा। रिपोर्टिंग करने पर आपके प्लांट पर फ्लावर ज़्यादा आएगा। अब वीडियो में देख सकते हो, हमारा प्लांट का रूट काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए जो भी एक्स्ट्रा रूट है हम उसको कटिंग कर देंगे। रिपोर्टिंग के टाइम आप अपने पॉट को चेंज कर सकते हो। पॉट में एक ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है जिसमें ज़्यादा पानी निकल जाए। मिट्टी को डालने से पहले आप देख सकते हो, हम पहले बालू को भर रहे हैं। थोड़ा सा बालू से भरने के बाद अब हम मिट्टी देंगे। मिट्टी से आधा पॉट को भरेंगे। मिट्टी देकर पॉट को आधा भरने के बाद प्लांट को बिठाएंगे। आप वीडियो को देखते रहिए किस तरह से हम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं, आप वीडियो को देखते रहिए। अब हम जो एक्स्ट्रा रूट है उसको कटिंग करेंगे। रूट को कटिंग कर लेने के बाद आप देख सकते हो, हमारा प्लांट इस तरह दिख रहा है। अब हम पॉट की सेंटर में बिठा के चारों तरफ से मिट्टी भरेंगे। अच्छे तरह से मिट्टी को भरना होगा, आप वीडियो में देख सकते हो जिस तरह से हम कर रहे हैं। अच्छे तरह से मिट्टी भरने के बाद इसमें पानी देना होगा। इस तरह से जब हमारा प्लांट बिल्कुल रेडी हो जाएगा तब इसको डायरेक्ट सनलाइट पर हम अभी नहीं रखेंगे। कुछ दिनों के लिए हम इसको छांव में रखेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट सनलाइट पर लाएंगे। इस तरह से आप अपने प्लांट को रिपोर्टिंग कर सकते हो।
रिपोर्टिंग काफ़ी आसान प्रोसेस है, इसमें आपका प्लान में फ्लावर ज़्यादा आएगा। पॉट में लगा हुआ प्लान में साल में दो बार खाद का उपयोग करना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर पॉट का मिट्टी खोदकर फर्टिलाइजर अप्लाई कर सकते हो। अब देख सकते हो मिट्टी से भरने के बाद अब इसमें पानी दे रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। आपका कीमती टाइम देकर हमारा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।